गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वीडियो के इस पार्ट में हम जानेंगे कि डेटाबेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज कौन कौन से होते हैं। तो ये जो है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का वीडियो लेक्चर थर्ड है। मैं अनिल के शर्मा आप लोगों का मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। और वो जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर डेटाबेस डेवलपर में जाना चाहते हैं, डेटाबेस की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं या एसक्यूएल की प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हैं, तो मेरे इस वीडियो से जुड़े रहिए। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो आइए देखते हैं कि एडवांटेज ऑफ डेटाबेस कौन कौन से होते हैं। एडवांटेज ऑफ डेटाबेस, तो एडवांटेज ऑफ डेटाबेस में फर्स्ट एडवांटेज जो है डेटाबेस का, वो है रिड्यूसिंग डेटा रिडंडेंसी। तो डेटाबेस के सब्जेक्ट में डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इंटीग्रिटी, ये तीन टॉपिक ऐसे हैं जो स्टूडेंट्स को इनिशियली समझने में बहुत डिफिकल्टी होती है। बट मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा कि आप लोगों को डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इंटीग्रिटी अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखते हैं कि डेटा रिडंडेंसी क्या है। तो डेटा रिडंडेंसी इन डेटाबेस मींस दैट द सेम पीस ऑफ डेटा एग्जिस्ट इन मल्टीपल प्लेसेस। तो डेटा रिडंडेंसी क्या है कि एक टेबल है और उस टेबल के अंदर मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट है। तो डेटा रिडंडेंसी के केस में क्या होता है कि किसी भी फील्ड्स की जो वैल्यू होती है वो मल्टीपल रिकॉर्ड्स में रिपीट हो जाती है। तो सेम वैल्यू मल्टीपल रिकॉर्ड्स में रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर रिपीट होती है तो वो डेटा रिडंडेंसी है। हियर द रिडंडेंसी मींस अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ डेटा। तो डेटा रिडंडेंसी का जो है लिटरली मीनिंग क्या है कि डेटा का डुप्लीकेशन, मतलब सेम डेटा डुप्लीकेट होकर के दूसरे रिकॉर्ड में भी आ रही है, तो वो नहीं आना चाहिए। अगर डेटा रिडंडेंसी आती है डेटाबेस के अंदर तो प्रॉब्लम क्या होती है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि इससे क्या होता है कि डेटाबेस का जो साइज है वो अननेसेसरीली इंक्रीज होता है और जिससे क्या है डेटा इनकंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और फिर इससे आगे चल करके डेटा का करप्शन होता है, डेटा लॉस्ट हो जाता है। तो डेटा रिडंडेंसी को हम इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि उसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, तो उन इंफॉर्मेशन को कंपनी क्या करती है कि टेबल्स के फॉर्म में, जो डेवलपर होते हैं वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो मान लीजिए एक टेबल लिया हमने, उस टेबल का नाम है स्टूडेंट टेबल और उस स्टूडेंट टेबल के जो फील्ड्स है वो है रोल नंबर, उसके बाद है स्टूडेंट नेम, कोर्स, टीचर आईडी, उसके टीचर का नाम और सब्जेक्ट। तो रोल नंबर वन जो है उसका नाम है, उस स्टूडेंट का नाम है अनिल और उसने जो कोर्स लिया हुआ है उसका नाम है बीए। जो टीचर उसको पढ़ाती है उस टीचर की टीचर आईडी है 101 और टीचर का नाम है नंदिनी सिन्हा और सब्जेक्ट है हिस्ट्री। रोल नंबर टू, स्टूडेंट का नाम मनोज है, कोर्स बीए है, टीचर आईडी 101 है और टीचर का नाम नंदिनी सिन्हा है और हिस्ट्री उसका सब्जेक्ट है। उसके बाद राजेश नाम के स्टूडेंट का कोर्स भी बीए है, टीचर आईडी 102 है और टीचर का नाम नलिनी सिंह है और सब्जेक्ट जो है इकोनॉमिक्स है। कोमल नाम के स्टूडेंट का कोर्स भी बीए है, टीचर आईडी 101 है, नंदिनी सिन्हा उसके टीचर का नाम है और सब्जेक्ट हिस्ट्री है। तो इसमें जो है टीचर आईडी जो है रोल नंबर वन का जो टीचर आईडी है वो 101 है, रोल नंबर टू का जो टीचर आईडी है वो भी 101 है,
रोल नंबर 3 का जो टीचर आईडी है वो है 102, रोल नंबर 4 का जो है वो 101 है। तो यहाँ टीचर आईडी में हम क्या देखते हैं कि 101 थ्री टाइम्स इस स्टूडेंट वाले टेबल में टीचर आईडी में अगर हम देखें तो 101 जो है टीचर आईडी ये थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये थ्री टाइम्स रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद टीचर नेम में नंदिनी सिन्हा भी थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये थ्री टाइम्स रिपीट नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट में हिस्ट्री जो है हिस्ट्री भी थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो थ्री टाइम्स रिपीट नहीं होना चाहिए। अब अगर ये रिपीट होती है वैल्यू तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, तो इससे प्रॉब्लम आएगी इंसर्ट डेटा को, रिकॉर्ड को इंसर्ट करने में, रिकॉर्ड को डिलीट करने में, रिकॉर्ड को अपडेट करने में। चलिए मान लेते हैं कि रोल नंबर 1 जो है उसके टीचर का नाम नंदिनी सिन्हा है, और आगे चल करके क्या होता है कि रोल नंबर 1 का जो टीचर है वो बदल जाता है, नंदिनी सिन्हा की जगह पर रमेश सिंह आ जाता है। तो अब हम अगर अपडेट कमांड के थ्रू जो है टीचर का नाम, रोल नंबर 1 के टीचर का नाम चेंज करेंगे, नंदिनी सिन्हा के जगह पे रमेश सिंह करेंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आएगी, यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी कि रोल नंबर 2 का जो टीचर का नाम है उसका नाम भी रमेश सिंह हो जाएगा। रोल नंबर 4 जो है उसका, उसके टीचर का नाम नंदिनी सिन्हा है, उसका भी नाम रमेश सिंह हो जाएगा। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और जब इंसर्शन में, डिलीशन में, अपडेशन में इस तरीके से प्रॉब्लम्स आती है तो उसको बोलते हैं डेटा की इनकंसिस्टेंसी। तो अभी जैसा कि मैंने बताया कि इनिशियल स्टेज पे डेटा रिडंडेंसी, डेटा कंसिस्टेंसी और डेटा इंटेग्रिटी समझने में दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, तो यहाँ पर डेटा रिडंडेंसी का मतलब है कि टीचर आईडी की वैल्यू, एक ही वैल्यू थ्री टाइम्स रिपीट हो रही है, और टीचर का जो नाम है नंदिनी सिन्हा वो भी थ्री टाइम्स रिपीट हो रही है, और सब्जेक्ट जो है हिस्ट्री वो भी थ्री टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये क्या है, ये डेटा की रिडंडेंसी है। और जब हम टीचर के नाम को अपडेट करते हैं, नंदिनी सिन्हा को अपडेट करते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है कि रोल नंबर 3 यानी रोल नंबर 2 का जो नंदिनी सिन्हा है वो भी चेंज हो जाता है, और रोल नंबर 4 जहाँ पे नंदिनी सिन्हा है वो भी चेंज हो जाता है। तो हम जो है रोल नंबर 1 को अपडेट कर रहे हैं, और अपडेट हो रहा है रोल नंबर 2 भी और रोल नंबर 4 भी। तो इस तरीके से जब अपडेट होता है तो इसको बोलते हैं डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो इसको, इसका, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये है कि इस टेबल को हम डिवाइड करके दो टेबल बनाएंगे। तो एक टेबल में रहेगा रोल नंबर, स्टूडेंट का नेम, उसका कोर्स और एक टीचर आईडी, बाकी टीचर नेम और सब्जेक्ट जो है ये हम दूसरे टेबल में रखेंगे। लेकिन दूसरे टेबल में जब टीचर नेम और सब्जेक्ट को रखेंगे तो उससे पहले टीचर आईडी ऊपर वाला भी लेना पड़ेगा, क्योंकि टीचर आईडी के बेसिस पे ही ऊपर वाले टेबल को और नीचे वाले टेबल को आपस में जोड़ सकते हैं फॉरेन की के थ्रू। तो आगे के लेक्चर में पता चलेगा कि प्राइमरी की क्या है, फॉरेन की क्या है। तो रिडंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस टेबल को दो टेबल में डिवाइड करेंगे। एक टेबल में रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट का नेम आएगा, उसका कोर्स आएगा और टीचर की आईडी आएगी वहाँ पे, और दूसरे टेबल में टीचर की आईडी, टीचर का नाम और सब्जेक्ट नेम। तो टीचर आईडी जो दूसरे टेबल में आएगी उसमें आएगी 101 और 102, और टीचर नेम जो आएगा वो आएगा नंदिनी सिन्हा और नलिनी सिंह, और सब्जेक्ट जो आएगा वो हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स आएगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिडंडेंसी, जो टीचर आईडी 101 बार बार रिपीट हो रही है वो नीचे वाले टेबल में बार बार रिपीट नहीं होगी, टीचर का नाम और सब्जेक्ट जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो नीचे वाले टेबल में बार बार रिपीट नहीं होंगे,
और नीचे वाला टेबल फॉरेन की के थ्रू टीचर आईडी से जुड़ जाएंगे आप उसमें। तो इस तरीके से जो है डेटा रिडंडेंसी को मल्टीपल टेबल्स में डिकम्पोज करके तोड़ करके जो है हम दूर करते हैं। तो ये जो डेटा रिडंडेंसी का जो ये टॉपिक है, ये बेसिकली जो कनेक्टेड है वो डेटा के नॉर्मलाइजेशन वाले टॉपिक से कनेक्टेड है। तो आगे के लेक्चर में जब हम नॉर्मलाइजेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि फर्स्ट NF, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या है, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म क्या है, थर्ड NF, फोर्थ BCNF, फिफ्थ NF। तो ये सारे नॉर्मलाइजेशन के सारे टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो डेटा रिडंडेंसी वाला कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आगे चलते हैं, अब देखते हैं कि डेटा कंसिस्टेंसी क्या है। तो डेटा कंसिस्टेंसी में जैसा कि मैंने ऊपर बताया है कि डेटा इनकंसिस्टेंसी क्या है, तो डेटा इनकंसिस्टेंसी के केस में क्या होता है कि जब हम एक रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, जैसे टीचर के नाम को मैंने चेंज किया नंदिनी सिन्हा को, तो दो जगह जहाँ पे नंदिनी सिन्हा है वो भी चेंज हो रहा है। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ रही है तो वो डेटा की इनकंसिस्टेंसी है। तो डेटा कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि अगर हम एक रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं तो बाकी किसी भी रिकॉर्ड में कोई भी अपडेशन नहीं होना चाहिए, उसी को डेटा कंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या कहता है। तो ऑल डेटा अपीयर्स कंसिस्टेंटली अक्रॉस द डेटाबेस एंड द डेटा इज सेम फॉर ऑल द यूजर्स व्यूइंग द डेटाबेस। यानी कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक कंपनी की या जितना भी डेटा है, वो सारा का सारा डेटा टेबल के फॉर्म में डेटाबेस में स्टोर होता है और वो सारा का सारा डेटा जो है उस कंपनी में काम करने वाले जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए वो सेम ही डेटा है। तो जब भी वो यूज़र कोई भी इंफॉर्मेशन फेच करना चाहे, कोई भी इंफॉर्मेशन वो देखना चाहे, कोई भी डेटाबेस वो देखना चाहे, तो सबको वो जो देखना चाह रहा वही इंफॉर्मेशन उसे दिखे, तो उसी को डेटा कंसिस्टेंसी बोलते हैं। मोर ओवर एनी चेंजेस मेड टू द डेटाबेस आर इमिडिएटली रिफ्लेक्टेड टू ऑल द यूजर्स एंड देर इज नो डेटा इनकंसिस्टेंसी। तो अगर मेन डेटाबेस में मान लीजिए कोई भी डेटा, कोई भी रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, कोई नया रिकॉर्ड डालते हैं उसमें, तो उस डेटाबेस को यूज़ करने वाले जितने भी यूज़र्स हैं तो सारे यूज़र्स को वो अपडेटेड की हुई रिकॉर्ड, सेम रिकॉर्ड उनको दिखना चाहिए। और अगर कहीं से कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक यूज़र्स को तो वो अपडेटेड रिकॉर्ड जो है वो दिखाई दे रही है और दूसरे यूज़र्स को उस जगह पर कोई और रिकॉर्ड दिखाई दे रही है या वो अपडेटेड की हुई रिकॉर्ड दिखाई नहीं दे रही है। तो अगर इस तरह की दिक्कत है तो उसको डेटा इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। तो डेटा कंसिस्टेंसी के सेंस में क्या होता है कि जहाँ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिलीट करे, अपडेट करे, इंसर्ट करे, तो जितने भी यूजर्स उससे कनेक्टेड है तो हर यूजर्स को एक प्रॉपर और सही इंफॉर्मेशन, जो पीछे जो भी टास्क परफॉर्म की गई है उसके अकॉर्डिंग उसको इंफॉर्मेशन दिखाई देनी चाहिए। तो ये है डेटा कंसिस्टेंसी। तो अब समझते हैं कि डेटा इंटीग्रिटी क्या है। तो डेटा इंटीग्रिटी का सिंपली मतलब है कि सेट ऑफ रूल्स, यानी कि जब हम कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं या फिर डेटाबेस के अंदर कोई भी टेबल्स वगैरह क्रिएट करते हैं तो कुछ सेट ऑफ रूल्स उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, तो उसी सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग जो है उसमें जो है इंफॉर्मेशन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट होती है। तो डेटा इंटीग्रिटी के बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, जैसे कि प्राइमरी की का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, फॉरेन की का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, उसके बाद यूनिक की का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट, चेक की का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट और नल वैल्यू का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट। तो जब हम मान लीजिए कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए एम्प्लॉय का एक टेबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसमें जो फील्ड्स के नेम है, मान लीजिए मैंने उसमें एक फील्ड ले लिया एम्प्लॉय आईडी,
तो जब मैंने एम्प्लॉय टेबल क्रिएट किया और एम्प्लॉय आईडी पर मैंने प्राइमरी की का इंटीग्रिटी कांस्टेंट मैंने अप्लाई कर दिया, तो इसका मतलब यह है कि उस टेबल के अंदर जब भी हम कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे तो एम्प्लॉय आईडी जो है वो यूनिक एम्प्लॉय आईडी ही उसके अंदर इंसर्ट करेगा। मान लीजिए एक रिकॉर्ड मैंने जो है उसके अंदर इंसर्ट की और एम्प्लॉय आईडी मैंने डाल दिया 101, दूसरा रिकॉर्ड मैंने उसके अंदर इंसर्ट की और उसमें एम्प्लॉय आईडी डाल दिया मैंने 102, और अब मैं थर्ड टाइम जब उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करता हूँ तो एम्प्लॉय आईडी अगर मैंने 101 या 102 यानी कि रिपीट एम्प्लॉय आईडी मैंने डाली तो वहाँ पर वो प्राइमरी की का इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के वायोलेशन वाला एरर दिखाएगा, तो इसी को डेटा इंटीग्रिटी बोलते हैं। तो अब मान लीजिए मैंने एक टेबल बनाया और उस टेबल पे मैंने चेक कॉन्स्टेंट को चेक के इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट को मैंने अप्लाई कर दिया, तो चेक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट में मैंने क्या अप्लाई किया कि सैलरी जो है 8,000 से कम नहीं होना चाहिए। तो जब भी उस टेबल के अंदर मैं कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा और सैलरी वाले टेबल में जब मैं उस एम्प्लॉय की सैलरी डालूंगा तो 8,000 से कम सैलरी अगर उसमें डालूंगा तो चेक इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट के वायोलेशन का एरर दिखाएगा, मतलब इसके जो सेट ऑफ रूल्स है उसके अगेंस्ट में आपने रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश की है, तो सीधे वो क्या करेगा, एक एरर शो कर देगा। तो इसी को डेटा इंटीग्रिटी कहते हैं। तो आगे के मॉड्यूल में जब हम आगे के डेज में जब हम एसक्यूएल का मॉड्यूल पढ़ेंगे तो उसमें जब मैं टेबल क्रिएट करना सिखाऊंगा तो उसमें जो है ये प्राइमरी की का कॉन्स्टेंट और जो है फॉरेन की का कॉन्स्टेंट, चेक कॉन्स्टेंट, आपका यूनिक की कॉन्स्टेंट और नल वैल्यू कॉन्स्टेंट, ये सब कैसे लगाते हैं तो ये वहाँ पे सिखाऊंगा, तो वहाँ ये क्लियर हो जाएगा। नाउ अब चलते हैं डेटा सिक्योरिटी। तो डेटा सिक्योरिटी जो है ये डेटाबेस के एडवांटेज का जो है ये थर्ड पॉइंट है, यानी कि डेटा सिक्योरिटी जो थर्ड एडवांटेज है डेटाबेस का। तो डेटा सिक्योरिटी क्या है कि ओनली अथोराइज्ड यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटाबेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिकेटेड यूजिंग ए यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो डेटाबेस का जो है एक नेक्स्ट एडवांटेज जो है वो है डेटाबेस की सिक्योरिटी। तो डेटाबेस को एक्सेस करने वाले जितने भी यूजर्स होंगे वो केवल ऑथोराइज्ड यूजर्स ही डेटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे, और उन यूजर्स को ऑथोराइज्ड कैसे बनाया जाता है तो उनको एक यूजर नेम और एक पासवर्ड दे करके उनको ऑथोराइज्ड यूजर बनाया जाता है, यानी कि अपने यूजर नेम और पासवर्ड से ही वो डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और अनऑथोराइज्ड यूजर्स जो है शुड नॉट बी अलाउड टू एक्सेस डेटाबेस अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस। तो जो यूजर्स अनऑथोराइज्ड है उसको अलाउ नहीं किया जाता है किसी भी कीमत पर डेटाबेस को एक्सेस करने की। तो ये जो है डेटा सिक्योरिटी है। अब देखते हैं कि शेयरिंग ऑफ डेटा क्या है। तो डेटाबेस का जो नेक्स्ट एडवांटेज है वो है शेयरिंग ऑफ डेटा। तो डेटा कैन बी शेयर्ड इजीली ड्यू टू सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम। तो ओरेकल का सर्वर हो गया या डेटाबेस का जो सर्वर है वहाँ पर कंपनी की जो है पूरी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है वहाँ पे, तो उसी सेंट्रलाइज सर्वर से कंपनी के सारे यूजर्स जो है कनेक्टेड रहते हैं। तो सेंट्रलाइज सर्वर सिस्टम के होने की वजह से जो है डेटा को इजीली शेयर किया जा सकता है। इट कैन ऑल्सो बी इजीली एक्सेस्ड बाय रिमोट यूजर्स। तो मान लीजिए कंपनी है उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं, तो कोई किसी भी ब्रांचेस में यूजर्स बैठ करके किसी भी ब्रांचेस के डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, बट जो कंडीशन है वो ये है कि वो ऑथोराइज्ड यूजर होना चाहिए। अब जो लास्ट एडवांटेज है डेटाबेस का वो है बैकअप एंड रिकवरी। तो बैकअप और रिकवरी का जो ये टॉपिक है जब हम आगे के लेक्चर में डेटाबेस टेक्नोलॉजी जब पढ़ेंगे 11G या 12C का मॉड्यूल जब पढ़ेंगे तो उसमें बैकअप के ऊपर तो दो तीन चैप्टर पूरा आ जाएगा, रिकवरी के ऊपर भी एक दो चैप्टर आ जाएगा। तो
तो वहाँ ये चीज़ जो है बहुत ही डिटेल्ड में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल फॉर्म में देख लेते हैं कि बैकअप और रिकवरी क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक्स केयर ऑफ बैकअप एंड रिकवरी। तो मैंने जो है हाउ टू बिकम ओरेकल डीबीए वाला जो मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। तो ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली बस एक कमांड पे आप क्लिक करेंगे, बैकअप वाले कमांड पे आप क्लिक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली जो है डेटाबेस का बैकअप ले लेता है, ठीक है। और उसी तरीके से एक कमांड क्लिक करने पर डेटाबेस की रिकवरी भी कर देता है, छोटी मोटी रिकवरी जो है कर देता है। तो द यूजर्स डोंट नीड टू बैकअप डेटा पीरियोडिकली बिकॉज दिस इज टेकन केयर बाय डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में क्या है कि यूजर्स को बार बार बैकअप डेटा का बैकअप लेने की उसको जरूरत नहीं पड़ती है, ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जो सॉफ्टवेयर है वो खुद ही ले लेता है। मोर ओवर इट ऑल्सो रीस्टोर्स द डेटाबेस आफ्टर ए क्रैश और सिस्टम फेलियर टू इट्स प्रीवियस कंडीशन। जब डेटाबेस की रिकवरी की जाती है तो डेटाबेस मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर में जो है रिकवरी के रिगार्डिंग, डेटाबेस की रिकवरी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमांड्स होते हैं, तो सिर्फ हम उस कमांड पे ही क्लिक कर देंगे तो जब डेटाबेस क्रैश हो जाता है या कोई सिस्टम की फेलियर हो जाती है, तो डेटाबेस के क्रैश और सिस्टम फेलियर के केस में केवल हम रिकवरी से रिगार्डिंग कमांड पे क्लिक ही कर देते हैं तो डेटाबेस की रिकवरी हो जाती है, उसका जो है जो सिस्टम फेलियर हो गया है वो रिकवर हो जाता है। तो यहाँ तक सारा जो था वो डेटाबेस का एडवांटेज था। आप देखते हैं डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस के कौन-कौन से डिसएडवांटेज होते हैं? तो डेटाबेस का जो फर्स्ट डिसएडवांटेज है वो है इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, डेटाबेस की कॉम्प्लेक्सिटी। तो फॉर द प्रॉपर रिक्वायरमेंट ऑफ डीबीएमएस इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव ए गुड नॉलेज ऑफ इट बाय डेवलपर, डीबीए डिजाइनर एंड आल्सो द एंड यूजर्स। तो एक कंपनी के अंदर अगर डेटाबेस मैनेजमेंट का सेटअप पूरा तैयार किया हुआ है तो उस डीबीएमएस को सक्सेसफुल बनाने के लिए, उसकी प्रॉपर रिक्वायरमेंट के लिए आपको जो है ऐसे डेवलपर, डीबीए और डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी जिसको उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और उसको यूज करने वाले जो एंड यूजर्स है उसको भी डेटाबेस की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों है? डेवलपर, डीबीए, डिजाइनर और एंड यूजर्स को डीबीएमएस की बहुत अच्छी नॉलेज क्यों होनी चाहिए? क्योंकि दिस इज बिकॉज इफ एनी वन ऑफ देम डू नॉट एक्वायर ए प्रॉपर एंड कंप्लीट स्किल्स, कि अगर उनमें से डेवलपर, डीबीए, डिजाइनर और एंड यूजर्स, उनमें से अगर किसी को भी डेटाबेस की प्रॉपर और कंप्लीट नॉलेज नहीं है तो इससे क्या होगा? दिस में लीड टू डेटा लॉस। इससे क्या है? कंपनी के डेटा का लॉस हो जाएगा और डेटाबेस फेलियर हो जाएगा, और जिससे क्या होगा? कंपनी के सारे काम बंद हो जाएंगे। तो ये जो है ये डेटाबेस की जो है कॉम्प्लेक्सिटी है। अब दूसरा जो डिसएडवांटेज है डेटाबेस का वो ये है कि इन केस ऑफ डेटाबेस डैमेज, अगर डेटाबेस डैमेज हो जाता है तो डैमेज के केस में जो है आपको मैन्युअली बैकअप लेना पड़ेगा डेटाबेस का। तो पिछले स्लाइड में मैंने बताया था कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में जो है बैकअप और रिकवरी के रिगार्डिंग बहुत सारे कमांड्स होते हैं जिस पे हम क्लिक करते ही जो डीबीएमएस है वो ऑटोमेटिकली बैकअप ले लेता है। बट अगर डेटाबेस डैमेज हो जाए, करप्ट हो जाए, तो डैमेज और करप्ट के केस में आपको जो है हमेशा बीच में मैन्युअली बैकअप लेने की जरूरत पड़ती रहती है। तो ये है डेटाबेस का दूसरा डिसएडवांटेज। अब चलते हैं डेटाबेस का तीसरा डिसएडवांटेज कौन सा है। तो करप्टेड डेटाबेस इज लॉस।
तो ड्यू टू सम रीजन इफ द डेटाबेस इज करप्टेड देन इट इज लॉस्ट। तो कोई डेटाबेस अगर जो है करप्ट हो गया है, वो तो करप्टेड के केस में क्या होता है कि डेटा की रिकवरी नहीं हो पाती है और वहां पर 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का डेटा जो है डेटा की लॉस्ट हो जाती है, तो वहां पर फिर मैनुअल रिकवरी चाहिए। आगे चलते हैं। फोर्थ जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि एक्सपेंसिव सेटिंग अप एंड मेंटेनिंग डेटाबेस। अगर डेटाबेस का पूरा सेटअप तैयार करना है, पूरी कंपनी जो है ओरेकल के डेटाबेस पे काम करे, उसका अगर पूरा सेटअप तैयार करना है तो उसका जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जो कॉस्ट वगैरह है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है, बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है वो। और साथ ही साथ उस डेटाबेस की मेंटेनेंस के लिए बड़े बड़े DBA की हायरिंग होती है, जिसकी सैलरी जो है बहुत ज़्यादा होती है, उसके साथ बहुत सारे डेवलपर्स वगैरह होते हैं। तो इस तरीके से जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर सेटअप तैयार करना है तो वो बहुत ही ज़्यादा जो है कॉस्टली पड़ता है। तो जैसे कि कॉस्ट ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर की कॉस्ट ज़्यादा आती है, सॉफ्टवेयर की कॉस्ट ज़्यादा आती है। तो सॉफ्टवेयर में क्या है, जैसे हाई स्पीड प्रोसेसर चाहिए आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के सेटअप में, लार्ज मेमोरी साइज चाहिए, ओरेकल का सर्वर का लाइसेंस चाहिए, तो ये सारे सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग जो है ये कॉस्ट लगती है। उसके बाद जो है अगर आप अपने स्टाफ को, डेटाबेस पे काम करने वाले स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं तो उसकी जो है स्टाफ ट्रेनिंग की कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक्सटेंसिव कन्वर्जन कॉस्ट इन मूविंग फ्रॉम ए फाइल बेस्ड सिस्टम टू डेटाबेस सिस्टम। तो अगर जो है वो कंपनी किसी फाइल बेस्ड सिस्टम पे जो है वो वर्क कर रही थी, तो उसको फाइल बेस्ड सिस्टम से जो है पूरा डेटाबेस सिस्टम में लाना है, कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्जन में भी बहुत प्रॉब्लम्स आती है और जो है बहुत कॉस्ट आ जाती है। तो इनिशियली जो है ट्रेनिंग रिक्वायर्स फॉर ऑल डेटाबेस एम्प्लॉइज। तो जब डेटाबेस का पूरा सेटअप तैयार होता है तो इनिशियली जब उस डेटाबेस को यूज़र्स यूज़ करते हैं तो उस सारे यूज़र्स को एक ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, तो ट्रेनिंग दी जाती है। तो कई दिनों तक जो है कंपनी का जो है काम जो है वो रेगुलरली नहीं हो पाता है, तो इससे जो है उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती है। तो ये जो था ये डेटाबेस का एक डिसएडवांटेज। तो जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है डेटाबेस का वो है कि नीड टू सिक्योर सीक्रेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनऑथोराइज्ड यूजर्स। तो डेटाबेस के अंदर बहुत सारे सीक्रेट इंफॉर्मेशन होते हैं, तो ऐसे इंफॉर्मेशन को जो है अनऑथोराइज्ड यूजर्स से सिक्योर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे कि गेटिंग अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू द कंप्यूटर सिस्टम इज नोन एज हैकिंग। तो वैसे जो पर्सन जो अनऑथोराइज्ड है, तो वो अनऑथोराइज्ड यूजर्स जब कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करता है, उसके इंफॉर्मेशन को चुराने की कोशिश करता है, तो उसको हैकिंग कहते हैं। तो ऐसे हैकर्स से जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हमेशा बचाने की ज़रूरत पड़ती है। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द थेफ्ट। तो सिस्टम सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना उसके चोरी से। तो द पासवर्ड नीड्स टू बी केप्ट सीक्रेट एंड इज ओनली इंटेंडेड फॉर द स्पेसिफिक यूजर्स। तो जितने भी पासवर्ड्स वगैरह होते हैं उन सारे पासवर्ड्स को बहुत ही सीक्रेटली जो है उसको रखना पड़ता है, और ये पासवर्ड सिर्फ स्पेसिफिक यूज़र्स को ही दिए जाते हैं। तो ऐसा ना हो कि कोई पासवर्ड को जो है वो चुरा ले और उसको लीक कर दे, तो फिर जो है हैकर्स क्या करेगा, उन पासवर्ड के थ्रू जो है हैकिंग करके डेटा को जो है सीक्रेट इंफॉर्मेशन को वो चुरा भी सकता है। तो
ऐसे इस तरह के केस में जो है इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये है इसका डिसएडवांटेज। अब देखते हैं जो लास्ट डिसएडवांटेज है डेटाबेस का, वो है फ्रीक्वेंट अपग्रेड। तो एज यू नो दैट कि टेक्नोलॉजी के फील्ड में जो है आए दिन जो है टेक्नोलॉजी अपडेट होते रहते हैं। तो जब कोई भी टेक्नोलॉजी मार्केट में अपडेट होकर के आती है तो उसको अपग्रेड करने की हमेशा ज़रूरत पड़ती है। तो डेटाबेस के फील्ड में भी जो है डेटाबेस के रिगार्डिंग जितनी भी टेक्नोलॉजी है तो उसके वर्जन्स वगैरह चेंज होते रहते हैं। तो उन वर्जन्स को आगे जो है डेटाबेस में अपग्रेड करने की जो है ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। तो आइए देखते हैं कि नीड टू स्टे अप टू डेट अबाउट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन द मार्केट। तो डेटाबेस के फील्ड में क्या है कि कॉन्स्टेंटली जो है इसके नए नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज मार्केट में आते रहते हैं। तो इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को हमेशा जो है इससे अपडेट रहना पड़ता है। तो फ्रिक्वेंट अपग्रेड ऑफ द प्रोडक्ट इज डन बाय द डीबीएमएस वेंडर्स इन ऑर्डर टू ऐड न्यू फंक्शनैलिटी टू द सिस्टम। तो अगर हम न्यू टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हैं तो न्यू टेक्नोलॉजी को जो है प्रोवाइड कौन करता है? डीबीएमएस वेंडर्स, जहाँ से हम ओरेकल का जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का जहाँ से हम लाइसेंस लेते हैं, जैसे कि ओरेकल कॉरपोरेशन से जब हम डेटाबेस के लिए उसका लाइसेंस लेते हैं। तो ऐसे डीबीएमएस वेंडर्स के द्वारा ये प्रोडक्ट लॉन्च की जाती है और जिसके बदले में वो बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तभी जा करके वो डेटाबेस में एडिशनल फंक्शनैलिटी को वो लॉन्च करते हैं। तो न्यू अपग्रेड वर्जन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर ओपन कम बंडल्ड। तो जो नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आती है तो उसमें जो है बहुत सारी चीज़ें नई ऐड होकर के आती है, तो वो काम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो समटाइम्स दीज अपडेट्स ऑल्सो नीड हार्डवेयर अपग्रेड्स। और इस तरह के डेटाबेस के सॉफ्टवेयर को जब हम अपग्रेड करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि पूरे सिस्टम में से, पूरे डेटाबेस के सेटअप में से जो उसका हार्डवेयर जो सिस्टम है उस पूरे हार्डवेयर सिस्टम को भी अपग्रेड करने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो इससे क्या है कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो समटाइम्स दीज चेंजेस एंड अपडेट्स आर सो फास्ट दैट यूजर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू वर्क विद दैट सिस्टम बिकॉज इट इज़ नॉट ईजी टू लर्न न्यू कमांड्स एंड अंडरस्टैंड दैम अगेन वेन द न्यू अपग्रेड्स आर डन। और कभी कभी क्या होता है कि जब ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है और इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को जब हम डेटाबेस में अपग्रेड करते हैं तो जो यूजर्स उस पर काम कर रहे थे, डेटाबेस यूजर्स जो उस पर काम कर रहे थे, तो उसको जो ये नए नए कमांड्स जो उसके अंदर होते हैं उसको समझने में भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ऑल दीज अपग्रेड्स ऑल्सो कॉस्ट मनी इन ऑर्डर टू ट्रेन यूजर्स डिजाइनर्स ET2 यूजर न्यू फीचर्स। तो अब जब न्यू कमांड्स को समझने में दिक्कत आती है तो फिर ऐसे यूजर्स को ट्रेनिंग देने की ज़रूरत पड़ती है, ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है, और जिससे जो है मनी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यहाँ तक जो है डिसएडवांटेज ऑफ डेटाबेस का जो टॉपिक है वो यहाँ पे हमारा एंड हो जाता है। और मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो आएगा जो कि लास्ट वीडियो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेटाबेस का, तो वो कुछ दिनों में जो है फोर्थ वीडियो आ जाएगा उसका।